छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का मतदान शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी का डरावना एहसास दर्ज करा दिया। मतदान से पहले और बीच वोटिंग में नक्सलियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि जवान समेत कई लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान सुकमा जिले का टोंडामरका इलाका आईईडी ब्लास्ट से दहल उठा, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। इतना ही नहीं, वोटिंग शुरू होने से एक दिन पहले भी छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। कांकोर में सोमवार को आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें बीएसएफ का एक जवान और पोलिंग टीम के दो सदस्य जख्मी हो गए। ये हादसा तब हुआ जब बीएसएफ और जिला बल की संयुक्त टीम चार मतदान टीमों को लेकर कैंप मारबेड़ा से रेंगाघाटी रेंगागोंदी मतदान केंद्र जा रही थी। राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही के दौरान जो है आईटी के स्प्लिंटर लगने से जो है आईटीबीपी का एक जवान आमिर खान जो है उसे मामूली चोटें आई हुई हैं और जिन्हें जो है इलाज के लिए जो है जिला अस्पताल लाया गया है, जिनकी स्थिति जो है सामान्य है और अभी भी सुरक्षा बलों के द्वारा जो है क्षेत्र में सर्चिंग और गश्त की कार्यवाही किया जा रहा है। वहीं नक्सलियों के हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म किया है, आने वाले दिनों में इसे जड़ से खत्म करने की भी बात कही। देखिए, ये छुटपुट घटनाएं पहले तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अब कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूं कि आगे ये भी बंद होगा। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और हमने कंट्रोल करने में राज्य सरकार को सफलता मिली है। आगे भी आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा। बता दें कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज आज से हो गया है। आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा में मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं इसी बीच आईडी ब्लास्ट की खबरों ने एक बार फिर ये बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में कितनी भी सरकारें आईं और गईं, लेकिन नक्सलियों का उत्पात यूं ही जारी है।